Cattier, Milk Cattier, Tetra Pak! Milk Cattier! अरे ये क्या? वही दूध और क्या? क्या ना? लाठी लगाओगा? अब मेरी बारी। ये तो मेरा फर्ज था। मगर तुम हो कौन? मैं, मेरा नाम फिजा है और मैं एक मिल्कटियर हूँ। हैं? मिल्कटियर? अरे सुनो। हाँ बोलो। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, हर बच्चा मिल्कटियर बन सकता है। बस उसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा, उसे सुबह शाम टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध पीना होगा। दूध? ओह मर गए। क्या हुआ? मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम है। मैं सब कुछ याद रखने की कोशिश करता हूँ मगर हर दफा भूल जाता हूँ। अब अम्मी ने दूध मंगवाया था और मैं वो खरीदना ही भूल गया। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा, वो बहुत खुश होंगी तुमसे मिलके। जरूर चलो। एक मिनट, मैं ये सामने वाली दुकान से दूध खरीद लूं, फिर चलते हैं घर। अरे सुनो। हाँ बोलो। देखो तुम मिल्कटिया बनना चाहते हो ना? हाँ। ये लो बेटा। तो फिर आज से तुम खरीदोगे टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध, समझ गए? मगर वो क्यों? ये मैं तुम्हें घर चल के बताऊंगी। अम्मी अम्मी। क्या हुआ? अम्मी कुछ गुंडे मुझे उठा कर ले जा रहे थे। या अल्लाह खैर। ये फिजा है आज जिसने ना मेरी जान बचाई। जान बचाई? सारे गुंडों को अकेले मार के भगा दिया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मगर बेटा तुम्हें डर नहीं लगा क्या? आंटी आप खुद बताएं, डरना क्या अच्छी बात है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बेटा तुम में इतनी ताकत कैसे आ गई? अम्मी यही तो मैं भी पूछ रहा था इससे, मगर इसने बताया ही नहीं। अरे हाँ हाँ अभी बताती हूँ, पहले ये दूध तो दे दो अम्मी को। ओह अम्मी ये ले दूध। ओहो अरे जैन बेटा, ये डब्बे वाला दूध क्यों ले आए? आंटी इसलिए कि यही महफूज और खालिस दूध है। पर बेटा। आंटी यही तो है मेरी ताकत और तंदुरुस्ती का राज। पर बेटा ये दूध डब्बे में कैसे महफूज रह सकता है? खैर मैं बताती हूँ। ये देखिए टेट्रा पैक की 6 तहों वाली स्पेशल पैकेजिंग जो दूध को रखती है रोशनी हवा और जरासीम से बचाकर अच्छी तरह महफूज। यानी टेट्रा पैक पैकेजिंग में वही दूध और क्या? ये लो बच्चों। थैंक यू। अरे तुम कौन हो? मैं हूँ मोमू। मोमू? अरे रे डरो नहीं, ये दोस्त है हमारी। मोमू मैं हूँ मोमू। मोमू मेरा नाम है, दोस्ती मेरा काम है। सबको ताकतवर बनाऊं, सुस्ती तुम्हारी यूं भगाऊं। टेट्रा पैक
सांस बनाओ। वाओ। और से सुनो कि हमारा दुश्मन कौन है। खड़ूस हमारा दुश्मन जिसका खुला दूध है सरमाया। इसने अंते पवे खड़ू को उसने हिलाया। मुश्किल सही नामुमकिन नहीं जो जाल खड़ूस ने बिछाया। चेलेस के जादू ने दूध को खूब बचाया। इस मिशन में तुम्हारे मुहाफिज है चार जो है ताकत से भरपूर और हर मुश्किल के लिए तैयार। कैल्शियम, विटामिन, फैट, प्रोटीन, जिनकी ताकत से बनी हमारी टीम। बनाएंगे नाकाम हम खड़ूस की हर स्कीम। क्या कहते हो जैन, करोगे जॉइन हमारी टीम? यस, मैं भी बनूंगा मिल्कटियर। जबरदस्त। वाओ, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी ताकत। अब तुम मिल्कटियर बन चुके हो। यस, अब मैं खड़ूस को नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं, हम। कौन? हम रोकेंगे उसे मिलावट वाला और गैर महफूज दूध सप्लाई करने से। हम अब और बच्चों को जहनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर नहीं होने देंगे। यस, पूरे मुल्क में टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज सेहतमंद दूध का पैगाम आम करेंगे। यही है हमारा मिशन। वाली स्पेशल पैकेजिंग दूध को रखती है जरा से बचाकर। एक दस मोमो ने मुझे पागल करके रख दिया। वो जब देखो टेलीविजन पे हमारे खिलाफ मीटिंग करती फिर रही है। वो प्यार छोड़ मेरे तो दिल करते टीवी तोड़ के रख दी। ऊपर क्या करूं, तोड़ भी तो नहीं सकता। ये खालस बेईमानी का बड़ा महंगा टीवी है। वेल डन फिजा। सैन की अम्मी को भी ये बात मालूम हो गई है कि टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज और सेहतमंद दूध पीना सैन के लिए कितना जरूरी है। तुमने बिल्कुल सही कहा मोमो, मगर अभी हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ है। हमें खड़ूस को खराब दूध सप्लाई करने से रोकना होगा। देखो फिजा, खड़ूस से जंग जीतने के लिए हमें शायद मुक्कों और लातों का भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें। सही कह रहे हो, मेरे जहन में एक आइडिया है। खड़ूस का चेला दूध लेकर इस जगह से निकलता है, हम यहाँ पर उसका इंतजार करेंगे। मगर वो किस लिए? और हम उसे इस पॉइंट पर रोक सकते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। तो हो जाए। Thank you.
प्लान सही जा रहा है। यस, बिल्कुल सही। सारी की सारी पार्टियां उलट गई है, वो टायर भी पंचर हो गए सारे। मर गया, मर गया, मर गया। यस। क्या कर रहा है? लड़ा लड़ा की चला रहा है। बेखरा ना खराब, ब्रेक क्यों नहीं मारते? रुक 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 रुक। टांगे कर दी। कैसे छुटकी डाली? अरे कभी वक्त पर भी आ जाया करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं है कि बैठे इंतजार ही करते रहे तुम्हारा। हाय हाय सत्यानाश जाए, कभी नहा भी लिया कर, सड़ांद आ रही है तेरे पास से। ये सड़ांद मेरे पास से नहीं आ रही है, ये जो मक्खियां ना मक्खियां इनमें से आ रही है। मैं तो नहाता भी हूँ साल के साल, साल के साल, मगर ये जो मक्खियां है ना इनका मुझे नहीं पता कि ये नहाती भी है कि नहीं। इनको तो मैंने बस दूध के कनस्तर में डुबकियां लगाते हुए देखा है। दूध में? हाय बेहाल को देखेगा तो हमें मक्खियों वाला दूध पिलाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, दूध तो इसके मुंह से निकल गया, दांतों के बीच में खिड़की बनी हुई है ना, लफ्ज गलत निकल जाते हैं। चल दिखा, देखा हट कमबख्त मारा। क्या देख रहा पवे? है ना हीरो बाइक? अरे हीरो तो पौवा भी है मगर जरा पॉकेट साइज। अब देखना दादी हीरो बनाएंगी इसे। ये ले छुटकी दादी। हाय नी तेरा सत्यानाश, ये खाली बर्तन क्यों दे रहा है? है? ये दूध का चला गया। अरे बुढ़िया से मस्करी करता है। दादी दादी दादी, अगर एक दफा भी और मारा ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा ईमान से। बुढ़िया से मस्करी करे खामोशी से लगा लगा जोर लगा, थोड़ा और जोर लगा, शाबाश और जान लगा। अरे यार पवे तू तो हीरो की तरह खड़े रहता है, सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है मैं खड़े क्यों कर रहा है, उठा रहा हूँ। एक तो तेरी वजह से मैं ही काम कर रहा हूँ, वरना तो तुझे पता है कि मैं तो हीरो हूँ हीरो। कौन है? म्याऊ बिल्ली हूँ। अच्छा बिल्ली हो, फिर ठीक है। जरा जरा ये क्या लगा रखा है? काम चोर, काम पे अपना ध्यान दिया करो, तुम दिन दाड़े खराटे ले रहे हो, सप्लाई पे निकलो। खबर दा के तुम लोगों ने ये दूध पिया समझे? अगर ये दूध पी के तुम तो कुछ हो गया तो ये सारे काम कौन करेगा? करोगे क्या? बोला नहीं कुछ नहीं। मेरे ही खाते हो और मुझ पे ही गुर्राते हो। कहाँ छुप गए? ओए ओए कौन हो तुम दोनों? मैं हूँ मिल्का डियर और मैं भी हूँ मिल्का डियर। ओए तुम जो भी हो इधर क्या जासूसियाँ कर रहे हो? बात सुनो खड़ूस, तुमने कई बच्चों को बीमार और कमजोर बनाया है। ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं और तुमने खराब दूध पिलाकर कौम के मुस्तकबिल से खेला है। हमने इस कैमरे में तुम्हारी सब बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। जो कुछ भी तुम्हारे ये चमचे गड़बड़ कर रहे थे ना। लो भाई इनको भी पता चल गया कि हम तीनों चमचे हैं। हाँ और इसका मतलब समझते हो? यानी तुम सब बहुत जल्द जेल के अंदर होगे, समझे? हाँ भाई हम तो समझे, मगर बच्चे तुम नहीं समझे। जेल के अंदर तो मैं उस वक्त होऊंगा ना जब तुम इस जगह से बाहर निकलोगे। देख क्या रहे हो, छीन वन से कैमरा है। अरे देखता तेजी भागो मेरी सांस फूल जाएगी। ओ मर गया। अब बेवकूफ। आजा आजा। ओए जल्दी कर। ओए मुझे लाते क्यों मार रहा है? तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे ये क्या
ये बीमारी है। मेरा तो सारी चक्कर आ गया। भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सेन, कैमरा संभालो। कैमरा पकड़। प्यारा खेत पकड़ा है। तेरे पेड़ा करके ड्रॉप कर दिया। अरे हम इधर क्रिकेट खेलने आए। अरे कैमरा पकड़ जाके। तुमसे कोई काम नहीं होता है। अब मुझे कुछ करना होगा। कबड्डी के बच्चे कैमरे के पीछे भाग रहे। मैंने कैच कर लिया कैमरे को। लो मुझे दो। ये लो, मैंने पास दे दिया। वही तूने किसको पास दे दिया? हमारे कुट हमारे बर्तनों से। अब उस्ताद की बारी है। नहीं नहीं भाई, और भाई कोई नरम चीज दो, उसमें बहुत कांटे हैं। छोड़ूंगा नहीं तुमका। बच्चे तुम कदम में ऐसा सबक सिखाऊंगा। और मारो। अरे वाह, क्या जबरदस्त वीडियो बन रही है। मुंह पे मारो। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो एक चला भी नहीं जा रहा। भागो उधर से। गलती में अपनी टांग में काट लिया। भाई निकलो इधर से, जल्दी करो। अरे कहाँ भाग रहे हो? गाली नहीं दोगे? अरे भागने दो ज़ेन, कहाँ तक भागेंगे? सबूत तो अब हमारे पास है। यस। हमें खुशी है कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं खड़ूस को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले हीरोज और मिल्क एम्बेसडर, जो आपको दूध की अफादियत के बारे में बताएंगे। सो प्लीज वेलकम मिल्क अटियर। अरे ये तो हमारे स्कूल के बच्चे हैं। अरे वाह। हाय फिजा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मिल्क अटियर फिजा। और दोस्तों, मैं हूँ मिल्क अटियर ज़ेन। आज हम आपको बताएंगे कि दूध पीना हम सबके लिए कितना जरूरी है। जी फ्रेंड्स, रोजाना 2 ग्लास, लेकिन सिर्फ टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध। मगर दूध तो सब एक ही जैसे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, दूध सिर्फ टेट्रा पैक पैकेजिंग में जरासीम और आलूदगी से महफूज रहता है, और इसीलिए हमें भरपूर तवानाई देता है। चलो भाई शाबे, तुम बोतल से नहीं टब्बे से दूध पीना। Thank you.
कमाई तोड़ दी, अब मैं फिल्म में क्या लंगर दीन का रोल करूँगा। सर जी, इन बच्चों ने हमें तबाह कर दिया। वो जो इन्होंने करना था ना, वो कर लिया, लेकिन अब जो मैं इनके साथ करूँगा, इसके बाद इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ताली दे आए। सर जी, ताली कैसे दे? आपने अपनी प्लानिंग तो बताई नहीं। ओए, हमारी प्लानिंग जानने के लिए हमारी साजिश की अगली किस्त का इंतजार करो बच्चे। ₹20 में? अरे कमाल की बात करी तुमने, पहले ही तकरीबन फ्री दे रही हो तुम्हें सब्जी। अरे फ्री तो तू अपनी सगी दादी को ना दे, मुझे क्या दे? अरे कमाल की बात करी तुमने। अरे कमबख्त मारे। अरे पकाओ जान, पकाओ। अरे आगे ले आगे। अरे कटिंग करो कटिंग। अरे सीधा नहीं गली में ले। ये पर्स वापस करो। अरे ये कौन है? हम हैं मिल्क कटियर। अरे ये तो वही बच्ची। अरे इस बार नहीं छोड़ेंगे हम इनको। अरे इंसान रोकते चले हो शहजादे। दर्जी, ये किधर भी है? वो इसको भी डालो वैन के अंदर। हिस्सा लेने का प्रोग्राम बना रहे हो क्या? रेस में तो भागना पड़ता है और कछुए तो भाग ही नहीं सकते। जाहिद और शकील, ठीक है चले नेक्स्ट। अभी का नाम बताएं। दीशान। टीम मेंबर्स का नाम बताएं। कामरान और सलमान। चले ठीक है, आप आए बेटे। अभी का आपका नाम? जी शौकत। अच्छा, और टीम मेंबर्स का नाम बताएं। टीम तो नहीं है बेटा, ये रिले रेसेस में तीन बच्चे चाहिए होते हैं। अच्छा चले साइड में हो जाए, दूसरों को आने दे, ठीक है चले नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट का मतलब नहीं समझते आप। कछुए को देखो, रेस में दौड़ने आया था। सर हम हैं शौकत की टीम में। क्यों शौकत? हाँ हाँ सर, यही है मेरी टीम। अरे शौकत क्यों भागा जा रहा है, बैठ जा।
दादाजी भागूंगा नहीं तो रेस कैसे जीतूंगा? कौन सी रेस बेटा? अम्मी मैंने स्कूल रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। अच्छा चलो इसी बात पे ये गर्मा गर्म दूध पी लो। लो शाबाश। अम्मी नहीं ये वाला दूध मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लो शुरू हो गए नखरे। अरे बेटा क्या कह रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने इसको इतनी देर तक उबाला है फिर इसमें खुशबू के लिए इलायची भी डाली है। चलो बेटा पी लो। मुझे बस टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध पीना है। आए, क्यों? दादाजी महफूज दूध ही हमें भरपूर तवानाई देता है। अरे ये कौन तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है? ये मुझे मिल्कटियर ने समझाया है। अरे तो समझना समझाना है वो हमसे पूछा करो भाई, पता नहीं किस किस से पूछ लेते हो और कहाँ तुम्हें मिल भी जाते हैं। दादाजी वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और रेस में मेरे टीम मेंबर्स हैं। बताओ मना किया था इसके बाप को कि मत डाल अंग्रेजी स्कूल में, यही सब फजूल खर्चे वाली बातें सीख के आएगा? अरे हमसे कोई मशवरा लेता ही नहीं है जिसको सब पता है। वैसे अब्बा हमारे पड़ोस में भी ना अब गत्ते के डब्बे में दूध आता है। अरे आता होगा भाई, बताओ यही खुला दूध पी पी के हमने जवानी में बड़े बड़े पहलवान चित कर दिए। मगर अब्बा पहले बात और थी। अरे क्या और बात थी? अब्बा देखे ना पहले घर के साथ ही बाड़ा हुआ करता था, ताज़ा ताज़ा दूध पहुँचता था घर में, मगर अब तो हर तरफ धुआं मिट्टी, ऊपर से मक्खियाँ उड़ती रहती हैं हर तरफ। पता नहीं हम तक पहुँचते पहुँचते कितने जरासीम मिल जाते होंगे दूध में। और अब्बा बच्चे भी शौक से नहीं पीते ये खुला दूध। अरे बहू बच्चों को क्या अकल होती है, अरे हमसे पूछो जिनके पास अकल है कि खुला दूध सस्ता भी तो पड़ता है ना। हाँ शायद आप ठीक ही कह रहे हैं क्योंकि इस तरह से कुछ पैसे तो बची जाते हैं। अब की ना तुमने अकलमंदों वाली बात। क्या पैसे मेरी सेहत से ज्यादा कीमती हैं? हैं? इष्ट ओए आज फिर दाल आ गई है। ओ बताओ यार बड़ी बदखलाक जेल है ये तो। ओए अपना संतरी बादशाह। हाँ क्या बात है। ये खाने में कोई चिकन शिकन कुकड़ शुकड़ मेरा मतलब है मुर्गा नहीं बन सकता। मुर्गा? हाँ जी बन सकता है। तो बनवाओ ना संतरी बादशाह। अभी बना देते हैं। शाबाश। बोलो बनना है मुर्गा? नहीं रहने दो चुप करके मुर्गा खाएगा। क्या करूँ चुप करके दाल खालो वरना संतरी तुम्हें मुर्गा बनाने। कुछ ही देर में यहाँ रेस का आगाज हो जाएगा जिसके लिए तमाशाइयों की एक कसीर तादाद मौजूद है। खिलाड़ी नहायत पुरजोश है, हर तरफ खिलाड़ी। अब्बा जान वो देखिए शौकत। अरे बहू देख लेना तुम, शौकत ही जीतेगा। क्यों भाई कछुए? उठो शौकत परवाह मत करो उनकी। अरे पूरे जिस्म में खुजली क्यों हो रही है? लगता है इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। रहने तो सैन हमें सबक सिखाएगा। और आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एथलेटिक्स की दुनिया की मशहूर हस्ती बट साहब। सलमान ने जेब से केला निकाला है खाने के लिए, भूख लगी होगी। और ये देखिए सलमान ने केले का छिलका जैन की तरफ उछाल के फेंक दिया ताकि जैन स्लिप हो जाए। जैन ने बड़ी खूबसूरती से जंप लगा के अपने आप को केले के छिलके से बचाया। बट साहब बिल्कुल गलत बात की है, छिलका कचरे के डब्बे में डालने चाहिए। अपनी पार्टनर फिजा की तरफ तमाशाइयों में जबरदस्त जोर शोर। दूसरी तरफ निता पहुंची अपने पार्टनर फैसल की तरफ। देखिए असल मुकाबला कामरान और फिजा के दरमियान। फिजा कामरान से आगे निकल गई है और ये देखिए कामरान ने कुछ निकाल कर जमीन पर फेंका है। व्हाट्सएप क्या चीज है ये? वो है बट्टे बट्टे। और फिजा ने एक शानदार छलांग लगाकर अपने आप को बचा लिया है। पीछे आने वाले खिलाड़ी फैसल पूरी तरह फिसल कर गिरे इन कच्चों से। और इसी दौरान फिजा पहुंच गई अपने पार्टनर शौकत तक। अरे अब देखना कैसा भागेगा। शौकत ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया। जी बहुत अच्छा स्टार्ट दिया इन्होंने। ये क्या हुआ? शौकत पूरी तरह हांफ रहे हैं और ये देखिए वो रुक गए हैं। निकम्मा और इस दौरान जीशान तेजी से आगे निकल गए। Come on, Shokan, भागो!
शंकर की टीम अब रेस तकरीबन हार चुकी है, उसके लिए जीतने का कोई चांस नहीं है। अजी अब तो कोई सवारी पैदा नहीं होता। अरे फिजा इसको टेट्रा पैक दो। और ये देखिए फिजा ने शौकत की तरफ टेट्रा पैक का डब्बा उछाला है। शौकत ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया है। शौकत में दोबारा जान आ गई है, वो दोबारा तेजी से दौड़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बहुत तेज दौड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रेस जीतना मुमकिन नहीं है, बट सब क्या कहेंगे। अरे सवाल पैदा नहीं होता, खामखा जान लगा रहे हैं। यकीनी नजर आ रही है जिसको देखते हुए उनकी हिमायत में जबरदस्त जोश और खरोश। निशान के चेहरे पे फतह की मुस्कुराहट है। और ये क्या शौकत ने आखिरी लगाज पे निशान को हरा दिया है। अरे शौकत तुमने तो आज कमाल कर दिया, क्या भागे हो तुम शेर की तरह। अरे का दादा भी तो बब्बर शेर है। दादाजी यही है टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध की ताकत। अरे हम तो खुद कह रहे हैं सबसे के यही टेट्रा पैक दूध पियो। दादाजी टेट्रा पैक कोई दूध नहीं है, बल्कि ये तो खास पैकेजिंग है जो दूध की भरपूर एनर्जी और असल गजाइत को रखती है जरासीम से बचाकर अच्छी तरह से महफूज। अरे भाई बहू देखो अब तुम जिद छोड़ो और यही दूध मंगाओ। मगर अब्बा अरे सेहत के मामले में कंजूसी मत करो। हम तो इस जेल में किस्मत के खेल में मर गए मर गए मर गए मर गए। वो जो मदद को आने वाले थे वो किधर गए। कब आएगा बोलो कब आएगा, दसो कब आएगा वो कब आएगा। तुम कहते थे कोई आएगा, तुम कहते थे यार है। जवान का बच्चा, जवान का बच्चा उस्ताद में तो बहुत छोटा होगा। कल जाएगी जब ये घबरू जवानी, शायद वो तब आएगा बहुत जल्द आएगा, हमको यहाँ से छुड़ाने जाएगा। उस्ताद जी जरा धीरे कहो, किसी ने सुन लिया तो होगी कुटस पड़ी। तुम्हें शिकर चलिए तो बात तो शिकर। भैया मुँह पे मजाक उड़ाओगे मेरा। गरम तुम्हारा निकल गया है, दर्द अभी तक बाकी है। मेरे कटियर ने तुमको अपनी उस्तादी दिखला दी। देखना जब वो आएगा मुँह सबका बंद हो जाएगा। उसे पहले आंख बंद हो जाएगी सबकी। सड़ जाएगी जेल में जिंदगानी, जाने वो कब आएगा कब आएगा। ओए लगता है दिमाग खराब हो गया। क्या शोर लगा रखा है। कुछ नहीं संतरी बादशाह, खांसी आ गई थी। क्या डर गए डर गए, कोई और बात नहीं कर सकते। कब आएगा बोलो कब आएगा, दसो कब आएगा वो कब आएगा। आने में टाइम लगता है, समझा करो। आएगा कोई समझते रहो जी, फिर भी मैं पूछूंगा कुछ तो कहो जी। कब आएगा कब आएगा। हम तो इस जेल में किस्मत के खेल में मर गए मर गए मर गए मर गए। ओए ये किधर भाग रहे हैं, लगता है जलजला आ गया। ओए आ गया वो शाकार, आ गया जिसका इंतजार था। ये वही है जिसको मैंने बुलवाया था, खरदूस।
जैन जो कभी सुस्त और काहिल हुआ करता था, देखते ही देखते टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध की बदौलत बन गया मिल्कटियर, और उसे मिल्कटियर बनाया फिजा ने, जो खुद भी थी एक मिल्कटियर। और फिर इन दोनों ने अपनी इस ताकत को इस्तेमाल किया खड़ूस के खिलाफ, जो अपने चेलों अधे पव्वे और घपलू के साथ मिलकर नाकिस और गैर मियारी दूध के जरिए खुद पैसे कमाने और लोगों को बीमार करने के मंसूबे पर अमल कर रहा था। लेकिन इनकी साजिश का रास्ता रोका मिल्कटियर ने। खड़ूस और उसके चेलों और मिल्कटियर के दरमियान कई बार जंग हुई, और आखिरकार मिल्कटियर की बहादुरी की वजह से खड़ूस और उसके चेलों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। सब लोगों का ख्याल था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर अचानक खड़ूस के एक बहुत ही खतरनाक साथी खरतूस की मदद से वो सब के सब जेल से फरार होने में कामयाब हो गए, और अब उनका मंसूबा पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। बताओ मैं कुजिन क्या हुआ था? 5 खतरनाक गुंडे और फिजा बिचारी अकेली थर थर कांप रही थी। क्या मैं कांप रही थी? आपका भाई चीते की जान छटा दूर दिश देखा, और 5 सेकंड में 5 गुंडे चित। और क्या? अभी बताती हूँ उसको। जैन, ओए ये फिजा कहाँ से आ गई? कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? शेख चिल्ली इधर आओ, दोस्तों ये सिर्फ शो मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में मैं इनको ये बता रहा था। छोड़ो इन बातों को, मोमो आई है कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन लेके। मोमो सुनो, एक खतरनाक खबर ये है कि खरूस और उसके साथी जेल से फरार हो गए हैं। नो, अब हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो यकीनन कोई ना कोई नई चाल जरूर चलेंगे। यानी उनसे एक बार मुकाबला और होगा तो हो जाए। एक बात सब कान खोल के सुन लो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर जागने की भी कोई कोशिश नहीं करेगा। उस्ताद, अगर हमने यहाँ पे बंदी रहना था तो हम जेल से निकले क्यों थे? बात सुनो कान वाले तरबूज, तुम वहाँ से निकले नहीं थे, मैं निकाल के लाया हूँ। वो ठीक है, लेकिन हम तो जेल से इंतकाम किया। कौन सा इंतकाम भाई? बच्चों से इंतकाम। यार तुम्हारे बस का काम नहीं है, वो उन बच्चों से कितनी मार खा चुका है सब मालूम है मुझे। वो ठीक है। क्या ठीक है? इतनी दफा पिट के भी तुम्हारे लिए सब ठीक है? नहीं, बहुत नहीं, एक आध बार हल्के से पिटे, बस हमको ये पता करना है। तुम तब तक ये पता नहीं चला सके कि उनकी ताकत का राज क्या है? ये भी पता करना है। सब पता कर लिया मैंने। अच्छा, उसका तोड़ भी निकाल लो। मैं क्या तोड़ निकाला है? तो अपने टाइम पे बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा कम अज कम 2 महीने तक। 2 महीने बहस नहीं चाहिए, जो कहना था कह दिया। मैं तो जरूर जाऊंगा, भेस बदल के छप्पड़ में निकल जाऊंगा। समझ में नहीं आता आखिर करूँ क्या, पढ़ाई खेल कूद खाने पीने हर चीज में ही सबसे पीछे। अरे बहन तुम परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर कैसे ठीक होगा? अरे तुम्हें याद नहीं है, पहले शौकत भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन अब देखो। लेकिन ये हुआ कैसे भाई? असल में हुआ ही। अरे भाई ये क्या बताएंगे हम, तो सुनो भाई, हुआ ही है कि ये हमारी बहू पैसे बचाने के या कंजूसी के चक्कर में खुला दूध ले आती थी, और हमने गौर किया कि ये सारी गड़बड़ खुले दूध से हो रही है। हमने कहा नहीं, बस अब इस घर में टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध ही आएगा। मगर फायदा क्या है इस दूध का? अरे भाई 6 तहों वाली महफूज पैकेजिंग की वजह से दूध की गजाइत भी महफूज रहती है, और ये जरासीम से भी महफूज रहता है। सबूत चाहिए तो शौकत को देखो। हाँ वो तो वाकई बहुत तेज हो गया है। वैसे ये जो 6 तहों वाली महफूज पैकेजिंग का आइडिया है ना, ये बचपने से हमारे दिमाग में था। अब हमारी बहू कहेंगी कि अब्बा आपने पहले तो नहीं बताया। अरे भाई हमारी आदत नहीं है शोबाजी वगैरह करने की। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीन ही नहीं होता कि ये वही शौकत है। कितना तेज और एक्टिव हो गया है। मगर कुछ भी हो इससे बदला तो हम जरूर लेंगे। आओ चलो। तो, अरे ये तो किसी तरह काबू में ही नहीं आ रहा। मुझसे तो
तो उठा भी नहीं जा रहा। हम एक साथ पढ़ते हैं और जब एक साथ पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के दोस्त हुए ना, तो दोस्तों को कभी धक्का देकर गिराते नहीं है, बल्कि कोई दोस्त गिर जाए तो उसे उठाते हैं। चलो शाबाश, हाथ दो अपना। ओ यार, हम तो यहाँ पे कैदी की तरह पड़े हुए और उस्ताद खुद घूमने निकल जाता है। शिकार करना चला जाता है, यहाँ पे होता ना तो सिर्फ दो ही काम करता है, या हमें डांटता रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर चिक चिक करता है, बस डांटता है चिक चिक करता है, डांटता है चिक चिक करता है। बताओ यार, घर से हीरो बनने निकला था मैं और डरा हुआ चूहा बन के रह गया। डरे डरे समय समय डरे डरे समय ऐसे कोने में छुपे हैं जैसे दिल में छुपा कोई चूहा। लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता किसी काम में दिल मेरा नहीं लगता। चिक 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 ताड़ा चिक ताड़ा चिक ताड़ा चिक 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 ताड़ा चिक ताड़ा। दिल चाहे रख के घूमना, दिल चाहे रख के सोना 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 भाई, दिल चाहे सोना। और कितना सोना है? जाहिलिये वाला सोना नहीं, गोल्ड। दिल चाहे रख के घूमना, दिल चाहे रख के सोना, दिल चाहे लाइफ मस्त मस्त उस्ताद हो जिसमें कोई ना। दिल चाहे लाइफ मस्त मस्त, दिल चाहे लाइफ मस्त उस्ताद हो जिसमें कोई ना। कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना। आओ 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 उस्ताद, आ तो गए हो, क्या पूछ रहे हो कि आऊं आऊं? भाई तुमने जरूर करनी अपनी चिक 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 ताड़ा चिक ताड़ा चिक ताड़ा चिक 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 ताड़ा चिक ताड़ा। नहीं लगता नहीं लगता किसी काम में दिल मेरा नहीं लगता। पहली ही फिल्म में सबको पागल कर दिया, सारे हीरो को घर बिठा दिया। सुन जो खुद बैठा लगता हो वो पिता, हीरो बन नहीं सकता। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता किसी हिसाब से तू हीरो नहीं लगता। ये उस्ताद तो चैन से ख्वाब भी नहीं देखने देता। आज काला चश्मा पाया अपनी पर में। अरे फिजा, क्या हुआ? वो देखो कहाँ? अरे इधर सामने। अरे ये तो वही है खड़ूस का चेला। हाँ हाँ, बस होलिया बदला है। अरे जैन, मुझे मोमो ने बताया था कि इसको अदाकारी का बहुत शौक है। अरे तो हमें क्या उससे? सुनो, अगर हम उसे अदाकारी का चांस दिलाने का झांसा दें तो फिर हम उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। मगर ये काम हम कैसे करेंगे? क्यों? अरे ये तो हमें पहचानता है। ओ हाँ, तो फिर इस काम के लिए निदा और शौकत से हेल्प लेते। गुड, वो तो पीछे ही आ रहे हैं। आओ उनको समझाते। समझ गए ना सारी प्लानिंग? हाँ समझ गए। ठीक है जाओ कॉन्फिडेंस से। ठीक है। उस्ताद फुल टाइट कुल्फी देना। भाई साहब जी, आप क्या टीवी ड्रामों में आते हैं? नहीं भाई, मेरा तो फोटो भी नहीं आया टीवी पे कभी। तो आप फिल्मों में तो काम नहीं करते? नहीं जी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अबू तो खुद फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं। टीवी फिल्म के सारे अदाकार आते रहते हैं मेरे घर, तो मैंने आपको क्यों नहीं देखा घर पे? तो आप अदाकार नहीं है? कमाल है, मैं तो अभी आपसे ऑटोग्राफ लेने वाली थी। हैं? वैसे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे चांस दिलवा दें। चांस? अरे आप तो बने बनाए हीरो हैं। बना बनाया। अच्छा पासपोर्ट बनाया? पासपोर्ट क्यों भाई, अब तो सारी शूटिंग पाकिस्तान से बाहर ही होती है ना। तो मेरा चांस पक्का है क्या? हाँ हाँ समझे, आपका काम हो गया। अच्छा एक काम करें, अपना एड्रेस तो बताएं। हाँ जी, वो चौक के बाद घनी लैब गद्दे वाला है ना, उसके आगे इलियास पंचर वाले की दुकान है। ये जो बच्चे ना, बच्चे। कौन से बच्चे? अरे वही जो आए दिन तुम्हारे ठुआई लगाते हैं। अच्छा अच्छा वो बच्चे। हाँ मैंने पता कर लिया कि इनकी ताकत का असल राज जो है ना। हाँ जी, ये टेट्रा पैक पैकिंग में महफूज दूध है। इस टेट्रा पैक की ताकत को खत्म करने के लिए मैंने बड़ी रिसर्च के बाद एक नया जरसूमा ईजाद किया है, जिसका नाम है जिरांडोमाइसिन। जिरांडोमाइसिन? बाबा, तो नाम से पता चल रहा है ये बच्चा कितना होनहार होगा। ये जरसूमा अगर दूध में शामिल हो गया तो ये देखते ही देखते लाखों में तब्दील हो जाएगा और इस दूध की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देगा। वाह जी वाह, आज इस जिरांडोमाइसिन की वजह से साबित हो गया है कि नाम का शख्सियत पे बहुत असर होता है। और क्यों भाई अपना पौए होते है कि नहीं? वो तो नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सब रेडी है तो काम शुरू कर दे। ये काम इतना आसान नहीं है, इसे बात तो समझ के करना पड़ेगा। हाँ, अगर कब करेंगे? कब, कहाँ और कैसे, ये मैं टाइम आने पे बताऊंगा। तो ये लोग टेट्रा पैक को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं। मोमो,
अगर इनका मंसूबा कामयाब हो गया तो ये तो बहुत बुरा होगा। फिक्र मत करो, दरअसल इन लोगों को टेट्रा पैक की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। ओके ओके, सीन ये है कि आप विलेन की कैद में और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ठीक है। विलेन का हंटर पढ़ते ही आप हंसते हुए कहते हैं, क्या नवा आए सोने, और जोर लगा बच्चे। ठीक है ठीक है, समझ गए। ओके एक्शन, मसला ही कोई नहीं है। अम्मी जी, अम्मी अम्मी क्या कर रहे हैं? अम्मी जी याद आ गई ना, अरे अपनी लाइनें याद रखें। अम्मी याद आ गई, देख करेंगे और अब की बार अम्मी अम्मी नहीं करना। ठीक है एक्शन, इस्तेमाल ना। लगता है नवा आया सोनिया, जब इतनी जोर से मार रहा है बच्चे को। अरे क्या बोल रहे हैं आप, मन से बहुत जोर से मार रहे हैं। अरे भाई तो वो बोले ने, वो तो जोर से ही मारेगा। आप अपनी लाइनें तो सही बोले। एक्शन, जान लेगा क्या? नवा आया सोनिया, थोड़ा और जोर लगा। कट कट, क्या हुआ? यही तो बोलना था। अरे मगर इस तरह रो के नहीं बोलना था, हंस के बोलना था, हंस के। चले नवा आया सोनिया, थोड़ा और जोर लगा भैया। कट, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ, आपने तो गाया हंस के बोलो। अरे इतने कोई लतीफा थोड़ी सुनाया है जो इस तरह हंस रहे हैं आप। एक्शन, एक मिनट, अब क्या हुआ? वो देखे हंटर तो खा लिया ना मैंने, अब उसके आगे से सीन शुरू करते हैं ना। अरे नहीं भाई, इस तरह नहीं होता, रियलिटी नहीं आती सीन में। आप अपनी लाइनें तो सही बोले। गलत जगह आ गया। चले एक्शन, खाली बढ़ जाएगी। नवा आया सोनिया है, तो फिर एक काम कर ले भाई, तो हीरो का रोल कर ले, मैं विलन का रोल कर लेता हूँ। उस्ताद सालन मंगा रहे। अबे टेप लगा के मुँह पे। उस्ताद कौन सी फिल्म चल रही है? माई नेम इज चिरांद। ये मजाक का वक्त नहीं है, सीरियस बात हो रही है। ये देखो, बाड़ों से दूध जमा करके इस कचिम के स्पेशल कंटेनर्स के जरिए फैक्ट्री पहुंचाया जाता है। इन कंटेनर्स में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का निजाम होता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और फिर इसको बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर देते हैं। यहीं पे काम दिखाएगा हमारा चिरांद माई सीन। बेवकूफ, यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस दूध को ठंडा रखा जाता है, यहाँ पे जरासीम फैल नहीं सकते। उस्ताद क्या स्वेटर शोटर पहन के भी नहीं जा सकता? अरे जरसूमा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा स्वेटर कहाँ से लाएगा? जायलो वाली बात कोई नहीं करेगा। अब आगे खोल के देखो, ये पूरे का पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है और इसमें जगह जगह पे क्वालिटी कंट्रोल के चेक पॉइंट्स हैं। सुना है दूध में केमिकल भी तो मिलाते हैं? वही डाल देते हैं चिरांद। बेवकूफ, कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता, यहाँ से दूध पाइपों के जरिए जगह पहुँचता है। यहाँ UHT ट्रीटमेंट के बाद ऑटोमेटिक तरीके से टेट्रा पैक के डब्बों में दूध पैक हो जाता है। समझ गया, इधर से सीन शुरू होगा अपने चिरांदो माई सीन का। है जी बेवकूफ, ये UHT है, UHT इसका मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। यहाँ पे जरसूमा डाल भी दिए ना तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। लो भाई, ऐसे चिरांदो माई सीन का फायदा क्या है जिसका कहीं कोई सीन ही नहीं बन रहा? ये फ्लॉप है। कोई फ्लॉप नहीं हुआ ये जरसूमा। ये देखो, ये है हमारा टारगेट, ये है आखिरी मरला, ये है वो गोडाउन जहाँ पैकिंग के बाद सारे डब्बे रखे जाते हैं। यहाँ काम दिखाएगा हमारा चिरांदो माई सीन। अच्छा, तब ये तो वाला हीरो निकला जो फिल्म के आखिरी सीन में आता है। हाँ, और सारा मेला लूट के ले जाता है। उस्ताद, हम मेले में डाका भी डालेंगे। अरे कहाँ से पकड़ के लाओ कान वाले तरबूज को? मेले में मिला था, मेले में। इनके बस का नहीं लग रहा, ये खा के कुप्पा हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, डब्बे पे तो चढ़ा नहीं जा रहा इनसे। भाई तुम भी ना बस हथेली पे सरसों जुबानी के चक्कर में रहते हो, भाई थोड़ा इंतजार करो। उस्ताद कितना इंतजार करें, पूरे 1.5 घंटे से जरसूमा डालने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं पर हुआ। भाई थोड़ा सब्र करो और अपना मुंह बंद रखो। उस्ताद मैं तो कहता हूँ जरसूमा ही फ्लॉप है। भाई बात सुनो, हर बड़ा काम करने में टाइम लगता है, टाइम। हाँ मगर बुरा टाइम आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है आने वाला है। रुक जाओ तुम सब, काली जबान मेरी। ये तो वही बच्चे हैं,
ये बच्चे नहीं है, बुरा टाइम है। देख क्या रहे हो, पिटने के लिए तैयार नहीं हो क्या? अपना गपलू अते पवे, बेटा आगे बढ़ो, बिस्मिल्लाह करो। साथ आपने आएंगे साथ? नहीं नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, तुम लोग शुरू तो करो। पहले तुम पिट लो, बाद में वो पिट लेंगे। Milk carrier, milk carrier, take the back. Milk carrier, milk carrier. Hey, Maru, Come on. Yeah. Hey, today koi nahi bachega. अब बचना। सर पकड़ लिया, ऐसी पटखनी दूंगा कि चक्कर खाने गिरेगा। उस्ताद काबू कर लिया है, जल्दी से टांगे तोड़ दो। तुम क्या समझते थे तुम अपनी साजिश में कामयाब हो जाओगे? टेट्रा पैक की 6 लेयर वाली पैकेजिंग में हवा और रोशनी दाखिल नहीं हो सकते, तो जरासीम के घुसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे सवाल तो हमारी बचने का भी पैदा नहीं होता। भागो। भाग गए।